जी हैं जो प्याल पंचायत समिति के हैं, जिनकी जन सैलाब है। आप देख सकते हैं कि जन सैलाब के साथ जन संपर्क अभियान में घूम रहे हैं। देख सकते हैं कितने लोग हैं इनके साथ। लगभग 2 किलोमीटर तक ये लाइन लगा हुआ है उनके समर्थन का है। अमृत प्रसाद जी जिनका समर्थक लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जमन समर्थन का मेन उद्देश्य क्या है, बताएंगे सर? बताएंगे की लड़ाई मैं चौरासी से हूँ। जनता के सेवा के लिए हर मोर्चे पर काम करते हैं। उनके अधिकार जो सरकारी अधिकार है, बोलने के सवाल हो, पूजा पेंशन के सवाल हो, उनकी इज्जत मर्यादा के सवाल हो, तमाम सवालों पर हमें लड़ते हैं। किसान के खाद की सवाल हो, किसान की धान की सवाल हो, तमाम सवालों पर मैंने पदाधिकारी ब्लॉक से लेकर जिला तक मैंने घेरता हूं, जनता का जुटाता हूं और जनता के लिए हक के लिए अधिकारियों से लड़ता हूं। और मैंने दावा किया है, मैं संकल्प लिया है, हक अधिकार के लिए हमारा खून भी देना पड़ेगा। मैंने उसको लड़कर वहाँ 100 खोलने करने के लिए अधिकार जनता का जुटाकर मैंने मांगने के लिए काम करूंगा, लड़कर लेकर रहूंगा। बढ़ाया जा रहा है बिल, बढ़ाया जा रहा है बिल को माफ करने के लिए तमाम जनता को उतारेंगे। कहाँ घर हुआ आपको? केयाल स्कूल पर। आप ये जो मुखिया प्रत्याशी है मधेश्वर जी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मधेश्वर मुखिया जी बहुत बढ़िया आदमी है, पूरा जनता के लिए अच्छा है। लॉकडाउन लगा है सर, कोई ना मुखिया ना सरपंच ना वार्ड ना कोई गांव के आदमी पूछा कि तुमको बाल बच्चा कहाँ है, भूख है कि दुख है, कहाँ बाहर है। और मधेश्वर प्रसाद आके हमको पूछे कि आपके लड़का कहाँ है, तो कहा कि बाहर दिल्ली है। राशन पहुँचाया है सब लड़कन के, सब इतना दिया है। वह से हम कह रहे हैं सब माता बहन सब मिल के कि मधेश्वर भैया के मुखिया बना के जिंदाबाद। बोलिए आप अपना नाम बताइए। हेलो मालती देवी। कहाँ घर पड़ता है आपको? कुबे। आप लोग ये मधेश्वर जी को मुखिया क्यों बनाना चाहते हैं? कैसे लोग हैं? क्या आपको जीतने के बाद ये अपने पंचायत में आप लोग के लिए काम कर पाएंगे? ढलाई करेगा भैया, सब घर द्वार बनावेला, लेकिन फैकन के सब रोजी रोटी देवेला। क्या ये रोजी रोटी दे पाएंगे आप लोग को? हाँ दे पाएंगे। लॉकडाउन में भैया रोजी रोटी दिए, लेकिन के पोसरा पड़े लगी दिए है, ध्यान दिए है, घर द्वार में गिरल पड़ल के दिए है मदद भैया। मान लीजिए यहाँ से जीत जाएंगे आप लोग, जिताते हैं इनको मुखिया बनाते हैं, तो जिस प्रकार से पहले सेवा किए हैं, क्या वो बाद में सेवा कर पाएंगे आप लोगों को? हाँ करेंगे। हाँ चलिए, और लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे बताएंगे। सर नाम बताइए आप। पूनम देवी। पूनम देवी कहाँ के रहने वाले आप? अच्छा, आप के पंचायत के मधेश्वर जी हैं। हाँ उनके बारे में आपको क्या कहना? उनको बारे में हम लोग के सबको जनता के एक सहन रहना है। हमको नेता बहुत अच्छा है, कारोबार भी अच्छा कर रहे हैं। आज नेता बनने के लिए ना आगू से कारोबार भी जनता के नज़र में ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि नेता मधेश्वर जी बन जाए मुखिया। क्या पहले से भी सेवा किए आप लोग? पहले से भी सेवा किए हैं, अब करित आएंगे। विश्वास है आपको कि आपके पंचायत से जब आप मुखिया बनाएंगे तो आने वाला समय में आप लोग को सेवा करेंगे? हम लोग को विश्वास है। मेरा नाम ऐसे तो भीम सिंह पड़ता है, मैं ग्राम क्याल का हूँ। मेरा मुख्य नाम संजीत कुमार पड़ता है। मैं ये पूछता हूँ जीते हुए कैंडिडेट से कि इन्होंने वादा किए थे कि मैं
क्याल पंचायत में विकास की गंगा की धारा बहाऊंगा। क्या ये गंगा की धारा बहाए? हमारे पंचायत भवन में गौशाला बनवाए, ग्राम कचहरी में बकरी कचहरी बनवाए। मैं इसे वह मुखिया से हाथ जोड़ता हूँ और मैं महेश्वर भैया को विजय प्राप्त करता हूँ। सर जी को आप क्यों मुखिया बनाना चाहते हैं? क्या ये भी जीतेंगे इस पंचायत से तो हो सकता है अभी वादा करेंगे कि मैं सारे काम को करूंगा और जीतने के बाद क्या नहीं वही इरादा होगा इनका? क्या विश्वास है आपको इसमें? मेरा ये सोच है कि 42 साल पहले मधेश्वर जी गरीब को सबको साथ दिए हैं, अभी साथ में लड़ाई में तैयार है, किसी दुख और सुख में ये सामने तैयार है, इसीलिए हम मधेश्वर जी को मुखिया बनाने के तैयार हैं। पूरे केयाल पंचायत का मुखिया बन रहा है। आप अपना नाम बताएंगे? हमारा सुरेश राजवंशी है। कहाँ घर हुआ? कुबरी मकान हुआ। आप ये मधेश्वर जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? मधेश्वर जी के लिए यही कहना चाहते हैं कि 93 से ही भाकपा माले के नेतृत्व करते हुए जनता के साथ सामने हैं, गरीब के लिए खून पसीना एक किए हुए हैं, इसलिए इस क्याल पंचायत के जनता चाहती है कि इस पंचायत से मुखिया हम बनावें और फिर उसी हालत में हमारे सेवा करते रहें। और विशेष तौर से हम कैंडिडेट बनाना चाहते हैं और कैंडिडेट के साथ उन्हीं को साथ हम विकास में संलग्न रहना चाहते हैं। क्या आप लोग का उम्मीद है कि जिस प्रकार से इन्होंने पहले से अपने समाज को या गरीब गुरबा को सेवा करते आ रहे हैं, तो इनको मुखिया बनाएंगे तो क्या उससे बेहतर आप लोग को सेवा कर पाएंगे? क्या विश्वास है? हाँ, ये विश्वास है। इसका पहले जिला पार्षद बन चुके थे, हम लोग के सेवा करते आ रहे हैं, आज भी हैं और करते जाएंगे। ये विश्वास है, पूर्ण हम लोग के विश्वास है। इसलिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि मधेश्वर प्रसाद को यहाँ लाएंगे, बनाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, पूरा विश्वास है। क्या बनाना चाहते हैं? लड़ाई वही लड़ सकते हैं। बताइए आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है विश्वनाथ साहब, घर महावीरगंज जी, क्याल पंचायत के हैं। आप मधेश्वर जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मधेश्वर जी आपके पंचायत से हमारा मुखिया बनते हैं तो आप लोगों के लिए क्या हक की लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, बहुत अच्छा लड़ेंगे और लड़े भी हैं। हमारा गांव में 4 बम मर्डर हो गया था और उस चीज के लिए मुखिया विधायक मधेश्वर जी सबके मुआवजा दिए थे, लड़ के हक पसंद करके। आप लोग को विश्वास है? हाँ हाँ, पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।